नमस्ते, मैं डॉक्टर जयदीप घोषाल, ट्रांसप्लांट सर्जन और ट्राइकोलॉजिस्ट। एक बात सब लोग पूछना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करूं या ना करूं। आज मैं आप सबको बताऊंगा हेयर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए। हेयर फॉल ऐसी एक चीज़ है जो किसी को भी हो उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाती है और आदमी डर जाते हैं और सोचते हैं कि गंजा हो जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन का हेयर फॉल से ही आप हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन मत लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट है हेयर फॉल कितने दिन से हो रहे हैं। अगर हेयर फॉल आपका कम से कम एक महीना से ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, हेयर हेड पे गंजा बना दिख रहा है और आपके फैमिली में कोई गंजा है डायरेक्टली पिताजी के साइड में या माँ के साइड में, जैसे कि मामा वगैरह या चाचा, तो आपका गंजापना अगर शुरू हो गया है तो ये बढ़ता जाएगा और आप हेयर लूज करेंगे। ऐसे सिचुएशन में हेयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, ट्राइकोलॉजिस्ट, इनके पास जाइए और उनसे जांच करवाइए कि हेयर जो गया है वो वापस आ सकता है या नहीं। बहुत सिंपल प्रोसीजर्स है, जैसे कि मेडिसिंस, PRP, स्टेम सेल थेरेपी, लो लाइट लेजर थेरेपी, ऐसे सिंपल प्रोसीजर्स से आपका गए हुआ हेयर वापस आ सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, रेदर बाकी सारे मॉडलिटीज जब फेल हो जाए तभी हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि देखा गया कि 80% गंजे लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट बिना ही उनका गए हुए हेयर वापस आ गया है। तो इसलिए अगर कोई भी डॉक्टर कुछ दिन का हेयर फॉल से ही आपको हेयर ट्रांसप्लांट बताते हैं तो एक सेकेंड ओपिनियन आप ले सकते हैं, या आप कोई साइंटिफिक प्रूफ मांगिए कि हेयर ट्रांसप्लांट आवश्यक है या नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट तभी आवश्यक है जबकि आपका जो हेयर चले गए हैं उनका जो रूट्स है, मूल, वो रूट्स नष्ट हो गया है और वहीं से नया हेयर आ नहीं सकते। ये आपका हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जांच करके आपको बता सकते हैं। अगर रूट्स नष्ट हो गया तो वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। इसलिए 10 बार सोचिए हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले। और आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बहुत आसान सर्जरी है, डरिए मत, आसानी से ये सर्जरी किया जा सकता है और रिजल्ट्स बिल्कुल पहले का लुक्स, अर्थात नेचुरल लुक्स के बराबरी का होता है अगर ठीक से किया जाए तो। धन्यवाद।